यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एनजीओ मेरा आसमान ने आगे बढ़ाते हुए अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ की पहल की है, जिसके तहत एनजीओ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत तकरीबन 5,000 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल रहे, जिन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। इसी दौरान कार्यक्रम में कई अभिनेता गायक और सेलिब्रिटीज शामिल हुए। कार्यक्रम में सूफी गायक हंसराज हंस ने अपनी गायकी का जलवा दिखाया, जलवा बिखेरा और इस दौरान हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने हंसराज हंस से खास बातचीत की है। तो हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की है हंसराज हंस से, क्या कुछ कहना था उनका इस दौरान और इस कार्यक्रम को लेकर, आइए जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं सूफी गायक हंसराज हंस, हमारे साथ मौजूद हैं। हंसराज हंस जी, आज एक कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, तो क्या मैसेज सबसे पहले आप इस जनता को देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा मिशन को लेकर ये जो MLA साहब जनाब असीम गोयल साहब ने प्रोग्राम रखा है, मनोरंजन करके या करा के ना वापस चले जाना, एक सोच लेके जाना कि वाकई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी अपनाओ। जिस जहान में बेटियां की इज्जत आबरू महफूज नहीं है वो उजड़ जाते हैं, मुल्क भी वो दुनिया सुनी हो जाती है। सो बेटियों से प्यारा कुछ नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ पर बेटी अपनाओ और जुड़ गया है, तो क्या लगता है कि इस अभियान से समाज में कितना बदलाव आया है इन 4 साल के कार्यकाल की बात करें? ये एक अजीम सोच है, ग्रेट सोच है प्रधानमंत्री साहब की, और वो जो भी बात करते लोग उनको वो मन से बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं, वो जो भी बात करते हैं लोग, हिंदुस्तान के लोग उनको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए लोगों ने उनकी बात को माना है और मानेंगे। देखिए आप सूफी गायक हैं, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि पंजाबी जो कल्चर है कहीं ना कहीं अश्लील गानों को ज़्यादा लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो इस कैसे इसे बदलेंगे, आपको क्या लगता है? इससे सोच बदलने की ज़रूरत है, वही गाना गाना चाहिए जो बेटी अपनी, बहन अपनी और माँ सुन सके। अगर मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन नहीं सुन सकती तो इंडिया की बेटियों क्यों सुने? सिंगर्स को सोचना चाहिए, राइटर को सोचना चाहिए। लेकिन हंसराज जी, जो भी आप गाना सूफी गाना गाते हैं उसमें एक संदेश होता है समाज को, लेकिन आजकल के गानों में संदेश नहीं है, लेकिन आप क्या लगता है कि इसको कुछ एक मंच पर इसको कोई बात रखी जाएगी आप एक साथ? बस मेरा यही संदेश है कि अच्छा गाओ अच्छा सोचो और कोई ना कोई मैसेज जरूर हो, सिर्फ एंटरटेनर ना बनो। आप बीजेपी के भी नेता माने जाते हैं और हैं, अब आज की जो स्थिति देखी जा रही है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में PDP और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, इसे आप किस तरह देखते हैं? गठबंधन तो इसलिए बना था कि वहाँ पीस और अमन आ जाए, वाकई वो जन्नत बन जाए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन 4 साल बाद क्या इससे पहले उनको संदेश नहीं था? नहीं, उन्होंने कोशिश की, हर हाल में कोशिश की, जब सहयोगी ही बन गए तो कोशिश की, जब एंड हो गया कि कोई बात बन नहीं रही, वो सीरियसली नहीं ले रहे तो उन्होंने छोड़ दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव का स्टंट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आतंकवाद को अब रोक पाएंगे, आपको लगता है अब आप फ्री एंड हो गए हैं? बिल्कुल रोकेंगे, वो नरेंद्र भाई मोदी बब्बर शेर है, वो जरूर करेंगे, लेकिन वो उन्होंने तो बोला है जिन हाथों में पेन होने चाहिए कलम होनी चाहिए उन हाथों में पत्थर नहीं अच्छे, वो बेटों की तरह समझाते हैं, बेटों की तरह। पंजाब से आप हैं और पंजाब के अंदर देखा जाता है कि नशा काफी ज्यादा था और आपने इसको लेकर के मुहिमें भी चलाई हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में भी आप काफी प्रचार में थे लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाए, तो क्या वजह? सरकार बन पाए या ना बन पाए, अच्छी बातें करनी चाहिए, जो बुरी बातें उसको कंडेम करना चाहिए, यही मेरा किरदार है। तो आप लगता है नशा रुक पाएगा इस कांग्रेस कार्यकाल में पंजाब में? हाँ, पक्का रुकेगा,
पक्का रुकेगा। अमरिंदर सिंह काम करेंगे इस पर, उम्मीद तो है, अगर मालिक ने पावर दिया तो काम करना चाहिए। देखिए, ये थे हंसराज हंस, जिनका साफ तौर से कहना है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार इसे रोक पाएगी, जैसा कि खुद हंसराज हंस कह रहे हैं। कैमरामैन जतिन के साथ गुलशन ग्रोवर अंबाला।